ये हम प्रैक्टिकल सेक्शन पे आ गए हैं। हमारे पास ये किट है जो एक्सेप्टर रिजेक्टर के लिए यूज़ करेंगे। एक्सेप्टर के लिए ये हम मैंने पॉइंट जो है नीचे सेट कर देना है और रिजेक्टर के लिए ऊपर कर देंगे। तो एक्सेप्टर के लिए नीचे जब इसको पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाला सर्किट डायग्राम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, जिसमें आर सी और ये एल बने हुए हैं। ठीक है, सीरीज में सर्किट है और ये आपके पास माइक्रो एमीटर बना हुआ है, इस पर आप रेटिंग्स चेक करेंगे करंट के। ठीक है, और ये रिजेक्टर सर्किट बना हुआ है और ये सारा डायग्राम है। इसको कनेक्ट करना है हमने किसके साथ, ये कि आपके पास फंक्शन जनरेटर है। फंक्शन जनरेटर की पिन से यहाँ पर इसके साथ पिन कनेक्ट करके, और ये इसकी पिन जो है यहाँ पर रेड रेड में कनेक्ट करना है, ब्लैक ब्लैक वायर्स में। क्लियर है? हमने पहले स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आपको बताई थी कि कितनी सेट करनी होगी, 6 किलोहर्ट्ज़। तो हम 10 के की रेंज सेलेक्ट करेंगे और हम इसकी रीडिंग को लेके जाएंगे कहाँ पर, 6 किलो पे। ठीक है, 6.6 क्या है ये, किलो हर्ट्स ये जनरेट हो गई। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमने करंट कितना रखना है, एम्पलीट्यूड 120 माइक्रो एम्पियर, वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मगर हमने जनरेट कहाँ से करना होगा, यहाँ से आउटपुट, यहाँ से इसको सेट करना है और इस पर देखना है हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करंट जनरेट हो रहा है। ये हमने सेलेक्ट करना है, स्टार्ट इंक्रीज करना स्टार्ट किया है ये पॉइंटर, एसी सिग्नल कहाँ तक रखना है इसको, 120 माइक्रो एम्पियर्स। क्लियर है, 120 माइक्रो एम्पियर्स हमने इसको सेट किया है, किसके थ्रू, दिस एम्पलीट्यूड के थ्रू। ठीक है, अब इसको हमने कुछ भी सिलेक्ट छोड़ना नहीं है, इसको अब क्या करना है, अब यहाँ पर डायरेक्टली आप सिग्नल पे आ गए हम। ठीक है, 120, अब क्या करेंगे हम,